In this part, we are learn how to we download and set up the setting of BlueStack and Android Studio. Because the first of thing, most important is thing that is that before creating any project for setting of our software. Just now we are start. Step one, we are download the start Android Studio and install. We are given the Android Studio link in our description. Just you will check. Open your Chrome browser and simply type here download Android Studio. सबसे ऊपर आपको ये जो लिंक आया उसी में आपको जस्ट क्लिक करना है. देन आपका देखिए आ जाएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो. इसमें आपको क्लिक करना है. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे. नीचे आएंगे जब आप रिकॉर्ड करने के बाद इसमें आप जैसे क्लिक ऑन करेंगे आपका डाउनलोड के लिए चला गया. क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसको भी डाउनलोड नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ. और जस्ट लाइक सिंपली ऐसे ही आपको BlueStack को भी डाउनलोड करना है. आपको देखना है ये आ गया BlueStack का. हाँ BlueStack का वर्जन आपको ध्यान से देख कर ही डाउनलोड करना है क्योंकि वर्जन बहुत इफेक्ट करता है. कह रहा है BlueStack 10, इसमें आपको क्लिक करना है. ये आपका BlueStack चला गया. BlueStack भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए डाउनलोड नहीं करूँगा. चलो हो गया. देन आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है. इंस्टॉल करने के बाद में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा. ये हमारा ओपन हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो. मैं क्लियर क्लोज कर देता हूँ. जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा. सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाकर इसमें क्लिक करना है. आपको ऐसा लेआउट मिलेगा. आपको हमेशा एमपीटी व्यू एक्टिविटी को ही सिलेक्ट करना है. सेलेक्ट करना, नेक्स्ट करना है. यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम डालना, जो भी नाम डालना, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ डेमो वन. और आपको मैंडेटरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल रही जावा और कोटलिन. क्योंकि हम लोग कोटलिन से ही एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे कोटलिन लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे. देन इसको फिनिश में क्लिक कर देना है. देखिए हमारा ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया. बिल्डिंग में जा करके आप चेक करेंगे ऑप्शन में आप नहीं आ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है पूरा. हाँ जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है. क्योंकि जब ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होता है बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमारा इंटरनेट से डाउनलोड करता है. अगर आपके में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो लाइब्रेरी मिसिंग हो जाएगी और आपके में एरर आ जाएगी. ये हमारा देखिए सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. सेम ऐसे ही आपको BlueStack को भी डाउनलोड करना है. BlueStack को डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड करेंगे तो आपके में कुछ ऐसा फेस खुल के आएगा. ओपन करके ये आ रहा है BlueStack ऐप प्लेयर. इसको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद में BlueStack आपका ओपन हो जाएगा. ये देखिए BlueStack की कुछ मेजर सेटिंग होती है. सेटिंग को लगाने के बाद ही आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट कर पाएंगे. आप सेटिंग में गए. सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस में CPU को लो, CPU आपका 1 कोर रहेगा, मेमोरी भी 1 GB रहेगी और परफॉर्मेंस हाई रहेगी. और फ्रेम आपको 60 में जाकर के सेट कर देना है. देन सेम डिस्प्ले में जब आप आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद में आपको यहाँ पे 720 पे मल्टीप्लाई 1280 सेलेक्ट कर लेना है. एंड पिक्सल डेंसिटी आपको 240 रखनी है. इसमें आकर के आपको परफॉर्मेंस में लगाना है ग्राफिक्स इंजन को और ग्राफिक्स रेटर को डायरेक्ट एक्स में रखना है. इंटरफेस आपका ऑटो रहेगा, ASTC डिकोडिंग रहेगा. उसके बाद आपको सीधे एडवांस में आना है. एडवांस में आने के बाद आपको ये लिखा है एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, इसको चालू कर देना है. अगर आप इसको चालू नहीं करेंगे तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट नहीं होगा. इसको चालू करने के बाद में आपको सारी सेटिंग को जाकर के सेव कर देना है. सेव करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको ध्यान रखनी है. आपने देखा होगा पहले मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो खोला था बारे में BlueStack. देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आया. पर हमको अब क्या करना है, सबसे पहले BlueStack को ओपन करेंगे अपने, देन एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है. पहले हमको BlueStack ओपन करना है. BlueStack ओपन करने के बाद वेट करना है. BlueStack हमारा
50% इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए, देन एंड्रॉइड शुड भी ओपन करना है कनेक्टिविटी देने के लिए। इसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लिक करना है। अब आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एम्यूलेटर हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ओपन हो रहा है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। देखिए लिख के आगे हमारा ये एम्यूलेटर, ये हमारा ब्लू स्टैक इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना इस प्लेटफॉर्म को तैयार करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना क्रिएट करना सीखेंगे, बेसिक से ही एंड्रॉयड स्टूडियो से एंड्रॉयड डेवलपमेंट।